वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजय अकेडमी में। लास्ट वाले वीडियो में, नाउन एंड केस के लास्ट वाले वीडियो में, मैंने आपको ये चार क्वेश्चंस दिए थे और आपसे पूछा था कि आपके हिसाब से इन चारों में से कौन सा वाला सही है। ठीक है, सही कोई एक था और मैंने आपसे कहा था कि आप आंसर अपना कमेंट सेक्शन में मैंशन करेंगे। अब नाउन एंड केस के पार्ट नंबर टू में मैं इस वाले क्वेश्चन का आपको डिटेल में एनालिसिस करके आंसर दूंगा। मतलब मैं डायरेक्ट आपको ये बता सकता हूँ कि कौन सा वाला पार्ट सही है, लेकिन उससे सेटिस्फैक्शन नहीं आता, क्योंकि हमेशा मन में सवाल उठता रहता है कि भाई क्यों सही है। तो मैं आपको ना वो क्यों का आंसर देते हुए ये बताऊंगा कि कौन सा वाला इसमें सही है। आगे आपको बात पकड़ में, पहले कुछ थ्योरी कलेक्ट कर लेते हैं। हेडिंग आपकी सेम रहेगी, एप्लीकेशन ऑफ नाउन एंड केसेस। जैसे आप यहां पर अगर गौर करोगे तो यहां पर फेसेस लिखा हुआ है ना। फेसेस स्टैंड्स फॉर बहुत सारे फेस है, एग्री? तो क्योंकि बहुत सारे फेस हैं, तो मुझे जो इसके साथ में टर्म चाहिए, जो नाउन चाहिए, वो प्लूरल होना चाहिए, एग्री? तो ज़रा इस वाली बात को सीखना, आप ध्यान देना भाई। ये सिंगुलर और प्लूरल वाली बात मैंने ऑलरेडी इस चैनल में नाउन एंड नंबर के नाम से वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। अच्छा खासा एक आध घंटे का वीडियो है वो, उसको देखो, उसमें डिटेल में आपको नॉलेज मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया था कि एम ए एन सिंगुलर होता है और एम ई एन प्लूरल होता है। तो ये जो एम ई एन है ना, वो एक प्लूरल टर्म है, और मुझे फेसेस, क्योंकि ये प्लूरल है, तो इसके लिए मुझे प्लूरल नाउन की ही ज़रूरत है, एग्री? तो ये एम ई एन जो है ना, एम ई एन, ये प्लूरल हो गया। एम ई एन लिखते ही प्लूरल हो गया, तो फिर ये दोबारा एस लगाकर उसको कौन सा प्लूरल करने की कोशिश कर रही है? प्लूरल का डबल प्लूरल थोड़ी होता है भाई। एम ई एन जब अपने आप में प्लूरल है तो एम ई एन एस क्या होता है? ये इस टाइप का दुनिया में कोई शब्द नहीं होता है। आगे आपको बात समझ में, एम ई एन एस टाइप का दुनिया में कोई शब्द नहीं है। गॉट इट? एम ई एन इट्सेल्फ इज अ प्लूरल टर्म, गॉट इट? तो उसने यहाँ पर एम ई एन एस लिखा हुआ है, जो कि दुनिया में कोई शब्द नहीं है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। ये भी दुनिया में कोई शब्द नहीं है, इसलिए भी गलत हो गया। तो ये मेंस फेसेस मेरे लिए सही है। कभी कभी ये वाली गलती भी करवाते हैं, तो अब इस वाली बात को ध्यान दो आप, है ना। ये जो अपोस्ट्रॉफी एस है, ये प्लूरल थोड़ी बनाता है। इसके पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था भाई, ये एक नाउन एंड केस का वीडियो नंबर टू है ना, तो वीडियो नंबर वन देख कर आइएगा, नाउन एंड केस का, इसीलिए चैनल आपको मिलेगा। ये जो अपोस्ट्रॉफी से प्लूरल नहीं होता है, ये पोजेसिवनेस लेकर आता है, का के की वाली बात को बताता है, तो आदमियों के चेहरे, इसका सेंस ये बनेगा, कंटेंट है सुनने। वैसे ही ड्रेसेस की बात चल रही है, ये ऐसे वैसे ही ड्रेसेस की बात चल रही है, है ना। तो ज़रा बात को समझो। अब यहाँ पर जो मेरे पास सारे टर्म लिखे हुए हैं, WOMEN, WMEN, WMEN, मतलब मेरे को चॉइस प्लूरल में ही करना है। तो जैसे MAN प्लूरल होता है, MEN प्लूरल होता है, वैसे ही WOMEN सिंगुलर है और WOMEN प्लूरल है, है ना। तो WOMEN करते ही वो प्लूरल हो जाता है, इतनी बात आ गई आपको समझ में। तो ये MEN किया उसने, मतलब प्लूरल हो गया, MEN किया उसने, मतलब प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हो गया। फिर ये एस लगाकर डबल प्लूरल बनाने की क्या कोशिश कर रहा है? ये ऐसा कोई शब्द नहीं होता है दुनिया में, आगे समझ में, ऐसा कोई शब्द नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है और ये सही है। ये प्लूरल नहीं बना रहा है, ये पोजेसिवनेस लेकर आ रहा है, अपोस्ट्रॉफी एस है वो। आगे आपको बात समझ में क्लियर हुआ है वाला पॉइंट? तो मैंने अभी क्या कन्वे किया आपको, मैंने ये कन्वे किया कि जब आपको प्लूरल टर्म चाहिए होता है तो एक और बार ऐसा है, उसको डबल प्लूरल नहीं बनाते, और अपोस्ट्रॉफी एस उसको प्लूरल नहीं बनाएगा, उसमें पोजेसिवनेस दिखाएगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आई होप कि आप इस वाली बात को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग। देखो, हर जगह चिल्ड्रन लिखा हुआ है ना, हर जगह चिल्ड्रन लिखा हुआ, तो मेरा जो टास्क है वो चिल्ड्रन में ही है। इतनी ली बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग। अब ज़रा बात को समझो, जो सिंगुलर टर्म होता है ना बच्चे, सिंगुलर टर्म वो होता है चाइल्ड, और जो प्लूरल टर्म होता है ना बच्चे, वो होता है चिल्ड्रन। तो जो चिल्ड्रन लिखा ना उसने, इसका मतलब वो प्लूरल हो गया। तो जब चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, तो फिर ये एक और बार एस लगाकर उसको कौन सा डबल प्लूरल बनाने की वो कोशिश कर रहा है? तो ये इस टाइप का दुनिया में कोई भी शब्द नहीं होता है, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल होता है, और अपोस्ट्रॉफी एस पोसेसिवनेस लेकर आएगा, बच्चों के खिलौने, विच इज़ कम्प्लीटली राइट। आपको आइडिया मिल गया, यहाँ तक कंफर्टेबल है हम बच्चे लोग। चलिए आगे बढ़ते कंटेंट पर हम लोग चलते हैं। सुनिएगा, ज़रा फोकस कीजिएगा।
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, कॉलेज, आगे आपको बात पकड़ में कॉलेज लिखा हुआ है। अब जरा इस वाली बात को सुनना, चलो क्या कहने कह रहे हैं, क्योंकि कॉलेज वो कह रहा है, तो कॉलेज में कोई एक लड़की होगी क्या भाई? अगर वो कॉलेज है तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना, बहुत सारे बच्चे होंगे ना, तो क्योंकि कॉलेज है तो इसका मतलब कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे, तो इसके साथ वाला जो नाउन होगा वो मुझे प्लूरल चाहिए। आपको इस वाली चीज़ का आइडिया लग गया, कंफर्टेबल है अपन। अब देखो भाई, जो GIRL है ना वो सिंगुलर होता है, इतनी लिए बात समझ में आ गई, और जो GIRLS है ना वो प्लूरल होता है। आइडिया क्लियर हो गया? तो गर्ल्स प्लूरल है, गर्ल्स सिंगुलर है, आइडिया क्लियर? अब कॉलेज लिखा होने के कारण, कॉलेज लिखा होने के कारण मेरे को इसके साथ जो नाउन चाहिए वो मुझे प्लूरल चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब आप गौर करोगे तो GIRL बस लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर है, और मैंने बताया था अपोस्ट्रोफी को प्लूरल थोड़ी बनाता है, यह अपोस्ट्रोफी बेसिकली कन्वे करता है पोजेसिवनेस को, का के की वाली बात को। तो लड़की का कॉलेज नहीं होता है, लड़कियों का कॉलेज होता है, महिलाओं का कॉलेज होता है, सीन आ रहा है आपको समझ में? तो ये जो गर्ल्स कॉलेज है ये रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हो गया सर? क्योंकि कॉलेज में ऑब्वियसली एक से ज़्यादा बच्चे होंगे, और ज़्यादा बच्चे होंगे जिसके लिए मेरे को प्लूरल वाला टर्म चाहिए। गर्ल यहाँ पर सिंगुलर था जिसके कारण उसे क्या मान लिया गया? रॉन्ग मान लिया गया। आपको इस वाली बात का आइडिया लग गया कि मैंने सेकंड वाले को रॉन्ग क्यों किया? आपको ना इस वाली चीज़ का भी ध्यान देना पड़ता है कि आपको वहाँ पर टर्म सिंगुलर लेना है कि प्लूरल लेना है। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सेकंड वाला तो फॉर श्योर रॉन्ग है, क्योंकि मेरे को कॉलेज के साथ प्लूरल टर्म चाहिए और GIRL सिंगुलर था, एक्सेप्टेड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसके। अब आप थोड़ा सा इस तरफ गौर करो, ये लिखा हुआ है GIRLS, ये लिखा हुआ है GIRLS। हाँ भाई, दोनों ही प्लूरल है, ये भी प्लूरल है फर्स्ट वाला भी, और थर्ड वाला भी प्लूरल है, फर्स्ट और थर्ड दोनों ही प्लूरल है। इतनी लिए बात समझ में आ गई? मतलब फर्स्ट और थर्ड में कोई भी एक राइट आंसर बन सकता है, एक्सेप्टेड। तो ये हो गया महिलाओं, और ये हो गया कॉलेज, और ये जो है वो काके की वाली बात को डिफाइन करेगा। तो ये हो गया महिलाओं का कॉलेज, ये चीज़ सही हो सकती थी, लेकिन बात को दरअसल समझना। मैं जैसे ही ना इसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आप इसे दरअसल पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा टर्म आप पढ़ के देखो। गर्ल्स, फिर अपोस्ट्रोफी एस एक और बार बोलना है, तो मैं क्या बोलूँगा? गर्ल्सेस कॉलेज। सीना है, समझे? आपने कभी दुनिया में सुना है क्या गर्ल्सेस कॉलेज टाइप की कोई चीज़ कंटेंट आ रहा है आपको पढ़ा? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ये जो गर्ल्सेस कॉलेज है ना, ये दुनिया में कोई शब्द नहीं होता है, गॉट इट? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएं, ये हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है ना, और अपोस्ट्रोफी एस लगाने के कारण हिसिंग साउंड आ जाए, आप उसको पढ़ के देखो। गर्ल्सेस, तो कैसा साउंड कर रहा हूँ मैं? हिसिंग साउंड कर रहा हूँ। तो कभी भी अपोस्ट्रोफी एस लगाने के बाद अगर कभी हिसिंग साउंड आ जाए, तो उस केस में थोड़ा सा फोकस करना, तो उस केस में जब हिसिंग साउंड आता है तब, तो उस केस में अपोस्ट्रोफी एस में से एस को हटा देते हैं। आगे बात समझ में? और सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही का के की वाली बात को डिफाइन करता है, एग्री? तो अब ये जो थर्ड वाला है, मैं उसको कैसे पढ़ूंगा? मैं पढ़ूंगा गर्ल्स अपोस्ट्रोफी मतलब का कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, जो कि सही है। आपको बात आई समझ में? कंफर्टेबल है अपन? एक बार फिर से सुन लेते हैं, आपको दोबारा से आइडिया लग जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हॉस्टल। ये बात मानते हो, क्योंकि हॉस्टल है तो पक्का वहाँ पर एक से ज़्यादा लड़के होते होंगे। अगर एक ही लड़का होगा तो हॉस्टल थोड़ी बोलोगे, रूम बोल दोगे ना, पॉइंट आएगा समझ में? तो हॉस्टल है तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन ये जो बॉय है ना ये सिंगुलर है, तो क्योंकि ये बॉय सिंगुलर है इसलिए ये सही आंसर नहीं है। इतने बात समझ में आ गई? अब हॉस्टल के लिए मेरे को प्लूरल में बॉय चाहिए, ये लिखा हुआ है BOYS, ये लिखा हुआ है BOYS, ठीक है? तो वो कहना है लड़कों का हॉस्टल, तो ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ये काके की वाली बात को डिफाइन कर रहा था। लेकिन जब मैं इसको पढ़कर देखता हूँ, जब मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा, जरा सुनो, जैसे इसको पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा बॉयसेस हॉस्टल। कैसा साउंड आ गया भाई? हिसिंग साउंड आ गया। आगे पकड़ में, तो मैंने अभी क्या सिखाया था आपको, जब भी आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाया और अगर हिसिंग साउंड आ जाए, हिसिंग साउंड के कारण क्या करते हैं हम लोग, अपोस्ट्रोफी एस में से एस को हटा देते हैं और सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही काके की वाली बात को डिफाइन कर देता है। कंफर्टेबल है अपन? तो ये बॉयज हॉस्टल लिखने का ये सही तरीका है। आपने इसके अलावा कोई भी तरीका कहीं भी देखा हो वो सही नहीं होता है। बात आ गई समझ में? बॉयज हॉस्टल लिखने का दिस इज एक्चुअली करेक्ट वे। हो सकता है आप कभी कॉलेज वगैरह में भी, आपके हॉस्टल्स होते हैं, आप कभी हॉस्टल गए होंगे कॉलेज वगैरह, तो ऊपर ऐसा लिखा रहता है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। यही सही है,
आपको बात आ गई समझ में, कंफर्टेबल है किस तरह से लिखते हैं। आगे चल रहे हैं, दो तीन एग्जांपल और देख लेते हैं। अब देखो मुझे कहना है जीसस लाइफ, ठीक है, मुझे कहना है जीसस लाइफ। अब मुझे कहना है जीसस का जीवन, आगे बात पकड़ में, तो ये हो गया जीसस, ये हो गया जीवन, और ये पोजेसिवनेस मतलब का के की वाली बात को डिफाइन करेगा, तो जीसस का जीवन हो सकता था। लेकिन आप इसको ना पढ़ के देखो बच्चे, आप इसको पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे इसको पढ़ोगे तो क्या लिखोगे, क्या पढ़ोगे, जीसस लाइफ। मैंने क्या बताया था भाई, हिसिंग साउंड नहीं आना चाहिए, हिसिंग साउंड आ गया ना, हिसिंग साउंड आ गया इसलिए रहोगे। तो जब भी हिसिंग साउंड आए तो हम लोग क्या करेंगे, अपोस्ट्रॉफी एस में से एस को हटा देंगे और सिर्फ अपोस्ट्रॉफी ही का के की वाली बात को डिफाइन कर देगा। तो ये हो गया जीसस का जीवन। कंफर्टेबल है अपन इसमें, आइडिया लग रहा है कि मैं क्या कन्वे कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है भाई, पाइथागोरसिस थ्योरम। ये हिसिंग साउंड लेकर आ रहा है, हिसिंग साउंड लेकर आ रहा है इसलिए रॉन्ग है। जब भी हिसिंग साउंड आएगा अपोस्ट्रॉफी एस में से एस को हटा देंगे, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी ही का के की वाली बात को डिफाइन कर देगा। ये सही तरीका है पाइथागोरस थ्योरम लिखने का। आपने इसके पहले कैसा भी लिखा और पढ़ा हो गलत है, यही सही है, ठीक है। फॉर जस्टिसेस सेक, जस्टिसेस सेक गलत है, फॉर जस्टिस सेक सही है, जस्टिस के खातिर है ना, सही है। पॉइंट आएगा समझ में किस तरह से यूज़ करना होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको इस वाले लेक्चर में ये बताया कि अपोस्ट्रॉफी एस पोजेसिवनेस को डिफाइन करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन अगर कभी हिसिंग साउंड आ जाए तो उस घड़ी अपोस्ट्रॉफी एस में से एस को हटा देना और सिर्फ अपोस्ट्रॉफी ही का के की वाली बात को डिफाइन करने लग जाता है। उससे क्या होता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और बात भी समझ में आने लग जाती है ना। तो हिसिंग साउंड हम लोग को हमेशा अवॉइड करना। तो ये रहा वो क्वेश्चन जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। मैंने पिछले वाले वीडियो में इस वाले क्वेश्चन से आपको पूछा था कि कौन सा वाला सही है, मैंने इसको चार नंबर दे दिए थे 1, 2, 3, 4 में से आपके हिसाब से कौन सा सही है। आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन कर दिया होगा, नहीं किया तो अब भी मौका है, अभी आप आंसर कमेंट सेक्शन मेंशन कीजिए कि आपके हिसाब से 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। चलो अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आई होप कि आपने इस पर डिफाइन कर दिया होगा। अब एक बार ज़रा मेरी बात को इत्मीनान से सुन लेते हैं। चलो ख्याल करो, पहले मुझे बताओ आपने क्या सुना है, आपने चाइल्ड डे सुना है या फिर चिल्ड्रन डे सुना है। पहले मुझे बताओ, वो छोड़ो टीचर डे वाला छोड़ो, पहले ये बताओ फर्स्ट या सेकंड आपने क्या सुना है, चाइल्ड डे आपने सुना है या चिल्ड्रंस डे आपने सुना है। तो ऑब्वियसली आपने सुन रखा है चिल्ड्रंस डे, चाइल्ड डे नहीं होता। तो मैं इस वाले एग्जाम्पल में क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो चाइल्ड है ना बच्चे ये सिंगुलर है और ये जो चिल्ड्रन है ना बच्चे ये प्लूरल है। तो किसी एक बच्चे का दिन नहीं होता है, बच्चों का दिन होता है, ये सही है। तो चिल्ड्रंस डे हम लोग लिखते हैं, चाइल्ड डे हम लोग नहीं लिखते, चिल्ड्रंस डे हम लोग लिखते हैं, है ना, जिसमें ये का वाली बात को डिफाइन करता है। तो ये हो गया बच्चों का दिन, एग्री। तो चाइल्ड डे नहीं होता, जिस तरीके से सिंगुलर में चाइल्ड नहीं लिया जाता उसी तरीके से सिंगुलर में टीचर भी नहीं लिया जाता, ये रॉन्ग हो गया भाई। अपोस्ट्रॉफी उसको प्लूरल थोड़ी बना रहा है, ये तो काके की वाली बात को डिफाइन कर रहा है ना भाई, शिक्षक का दिन, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। सीन आया आपको समझ में, आइडिया क्लियर। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे चाइल्ड डे नहीं होता ना, चाइल्ड सिंगुलर है, आइडिया क्लियर हो गया, वैसे ही टीचर डे नहीं होता है, आइडिया क्लियर हो गया, टीचर सिंगुलर है। जैसे आप यहाँ पे चिल्ड्रन एक्सेप्ट करते हो ना, वैसे ही आपको यहाँ पे टीचर्स एक्सेप्ट करना होगा। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, जैसे चाइल्ड डे नहीं होता चिल्ड्रंस डे होता है, चिल्ड्रन प्लूरल है, वैसे ही टीचर डे नहीं होता है टीचर्स डे होता है। आइडिया क्लियर हुआ आपको, पहले ये वाली बात समझ में आई कि मैंने फर्स्ट वाले को रॉन्ग क्यों कर दिया, फर्स्ट वाले इसलिए रॉन्ग कर दिया क्योंकि यहाँ पे टीचर सिंगुलर है। पॉइंट आया समझ में, टीचर हमको कैसा चाहिए होता है, प्लूरल चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चाइल्ड नहीं होता है चिल्ड्रंस डे होता है। सीन आ गया समझ में, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ये तो समझ में आ गया फर्स्ट वाला तो फॉर श्योर रॉन्ग है, सेकंड थर्ड या फोर्थ में से कोई एक सही है, सवाल ये है कौन सा सही है। अब ठीक है थर्ड वाले को सुनना एक बार मेरे से, ठीक है यहाँ पर टीचर्स लिखा हुआ है जो कि प्लूरल है, ठीक है यहाँ पर दिन भी लिखा हुआ है, लेकिन पॉजिटिवनेस कहाँ है, शिक्षकों दिन का कहाँ है, शिक्षकों का दिन बोलना था ना मेरे को, तो वो का कहाँ है, तो यहाँ पर ना पॉजिटिवनेस मिसिंग है। तो क्योंकि थर्ड वाले में पॉजिटिवनेस मिसिंग है इसलिए थर्ड वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इतनी बात आपको आइडिया लग गए, कंफर्टेबल अपन। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड और फोर्थ की, सेकंड और फोर्थ दोनों में ही प्लूरल वाला टर्म यूज किया गया, सेकंड और थर्ड दोनों में, सेकंड और फोर्थ दोनों में ही प्लूरल टीचर्स लिखा हुआ है। आगे आपको बात पकड़ में, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे लोग,
अब टीचर्स शिक्षकों तो सेकंड और फोर्थ दोनों में कन्वे हो रहा है, ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ये का वाली बात को भी लेकर आ रहा है और यहाँ पे दिन भी लिखा हुआ है, शिक्षकों का दिन इस तरह से लिखा हुआ है। लेकिन जब इसे पढ़कर देखो, अब इसे पढ़कर देखो इस वाली चीज को, अब इसे क्या पढ़ोगे, टीचर्स ऑलरेडी लिखा हुआ था, आप अपोस्ट्रोफी एस और डाल दिए तो आप क्या पढ़ोगे, टीचर्सेस, तो वो कैसा साउंड करेगा भाई, वो हिसिंग साउंड करेगा। तो मैंने आपको अभी भी सिखाया था, अगर कभी भी हिसिंग साउंड आ जाए तो उस वाले केस में अपोस्ट्रोफी एस में से एस को हटा देते हैं और सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही का के की वाली बात को डिफाइन करता है। तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया, सही कौन सा है, फोर्थ वाला। तो टीचर्स डे लिखने का जो सही तरीका है ना बच्चे, वो ये है, मैं आपके लिए रफ करके आपको दिखा देता हूँ। इसके पहले आपने किस भी तरीके से लिखा होगा, कैसा भी पढ़ा होगा, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। टीचर्स डे इस तरीके से लिखा जाता है, विच इज़ कम्प्लीटली राइट। आपको आइडिया लगा, तो आपको ना इसे बहुत ध्यान देना है और इसे अच्छे तरीके से ख्याल करना है, टीचर्स डे लिखना है सही तरीका ये। आई होप कि आपको इस वाले वीडियो कंटेंट में समझ में आया होगा कि किस तरीके से लिखा जाता है, ये सारी चीज़ों को पता चला, इंपॉर्टेंट था ये, ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा वीडियो नाउन एंड केस का लेक्चर नंबर 2। आने वाले कंटेंट के लिए इसी वाले लेक्चर सीरीज में बने रहिएगा, मैं नाउन एंड केस के और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट शेयर करूंगा। स्टे ट्यून्ड।